हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं घनश्याम तोमर आपके अपने चैनल स्मार्ट क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए डीजल मैकेनिक के आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये सीरीज पूरी कंप्लीट होती है मेरी 1400 क्वेश्चनों की, उसके बाद मैं जस्ट 100 MCQ की जो RRR पब्लिकेशन की बुक है मल्टीपल चॉइस की, मैं उसको भी करवा दूंगा 10 दिन के अंदर। तो आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ स्मार्ट क्षेत्र में। तो और जो मैंने वन लाइनर और MCQ चला रहा हूँ, मैं लगभग 3-4 बुकों से आप लोगों को करवा दूंगा। आप लोग कोई और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग इसी से करके जाइएगा। आप लोग दावा है कि मेरा आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहिए मेरे साथ। यदि आप लोगों को वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सअप में शेयर करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इससे पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है घूर्णन चाल मापी होता है, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन चाल मापी टेकोमीटर का उपयोग होता है किस पर होता है। तो इसका राइट आंसर है 627 का सी नंबर एवं बी दोनों में, रेसिंग कारों में होता है, बड़े गियर अनुपात वाले वाहनों में भी होता है घूर्णन चालमापी टेकोमीटर का उपयोग, ठीक है, 27 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है संपर्क ब्रेक के द्वारा निम्न तनाव परिपथ में उत्पन्न धारा पल्स को डैश डैश में ट्रिगर किया जाता है, तो किस पे ट्रिगर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 628 का ए नंबर, कॉइल प्रज्वलन में इसको ट्रिगर किया जाता है, ए नंबर, 628 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, दूरी सूचक की तरह प्रयोग की जाने वाला उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है 629 का ए नंबर, पथ मापी है, ठीक है, ए नंबर, 629 का ए नंबर। 630 एनालॉग पथमापी में लगे होते हैं, एनालॉग पथमापी पर क्या लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 630 का बी नंबर, ठीक है, ड्रम लगे होते हैं, एनालॉग पथमापी पे ड्रम लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है 631, वार्म गियर लगा होता है, वार्म गियर किस पर लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पथमापी की चुंबकीय शाफ्ट पर लगा होता है, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 632, पथमापी डैश डैश तक दूरी तक की दूरी ज्ञात कर सकता है, पथमापी कितनी किलोमीटर की दूरी ज्ञात कर सकता है, बी नंबर ज्ञात कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 633, पथमापी को डैश डैश के नीचे स्थापित किया जाता है, पथमापी को किसके नीचे स्थापित किया जाता है। तो 633 का ए नंबर, चाल मापी के नीचे स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 634, इंजन गेज को डैश डैश भाग होते हैं, इंजन गेज में के कितने भाग होते हैं, ये पूछा गया है, 634 के ए नंबर होगा, ठीक है, दो भाग होते हैं इंजन गेज के। अगला क्वेश्चन है, ईंधन गेज में होती है, ईंधन गेज में है क्या होती है, 635, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ए व बी दोनों, संवेदन इकाई और सूचक इकाई दोनों होती है ईंधन गेज में, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेदन इकाई में प्रयुक्त होता है, संवेदन इकाई में क्या प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब ईंधन टैंक उच्च स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 37 का बी नंबर हो, यफ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब ईंधन टैंक निम्न स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करती है, किस ओर प्रदर्शित करती है, ए नंबर, ई को। लिम्फ इन मोड होता है किस पर होता है, लिम्फ इन मोड, 639 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, इंजन चेक लाइट में होता है, लिम्फ इन मोड, ठीक है, 639 का बी। अगला क्वेश्चन है, डैशबोर्ड पर जमा पर पाया जाने वाला यंत्र जो वाहन की चाल को प्रदर्शित करता है वह है क्या कहलाता है, 640 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर कहलाता है, चाल मापी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में कितने प्रकार चाल मापी प्रयोग करते हैं, ऑटोमोबाइल में कितने प्रकार के चाल मापी प्रयोग करते हैं, 641 का बी नंबर, दो प्रकार के चाल मापी प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किसका सिद्धांत दर्शाया गया है, निम्नलिखित चित्र में किसका सिद्धांत दर्शाया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, चाल मापी का सिद्धांत यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, फिगर को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 643 नंबर, 642 नोजल का प्रकार है, नोजल का प्रकार पूछा गया है 643 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, ये एक मिनट, तो इसका राइट आंसर सी होगा, कन्वर्जेंट और को एनुलर नोजल दोनों प्रकार के नोजल के प्रकार होते हैं, जिसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, दोनों प्रकार हैं वो भी। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन का आकार होता है, गैस इंजन का आकार कैसा होता है 644 का, तो इसका ऐसा आकार होता है, छोटा होता है। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का रखरखाव मूल्य होता है, डीजल इंजन का रखरखाव मूल्य कैसा होता है, जिसका राइट आंसर है कम होता है, क्योंकि डीजल जो डीजल वाले का व्हीकल होते हैं उस पर जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है पेट्रोल की तुलना में, जिसका रखरखाव मेंटेनेंस का होता है कम होता है। अगला क्वेश्चन है 646 का, डीजल इंजन में ऑयल खपत होती है, डीजल इंजन में ऑयल खपत कितनी होती है, तो 646 का अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन की क्षमता होती है, डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है, ये पूछा गया है, 647 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 25 से 35% डीजल इंजन की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल स्टेज टरबाइन में कंप्रेसरों की संख्या होती है, सिंगल स्टेज कंप्रेसरों में टरबाइन की संख्या कितनी होती है, एक, इसका राइट आंसर क्या होगा, 648 का एक नंबर, एक होती है। अगला क्वेश्चन है, टू स्टेज टरबाइन में कंप्रेसर संख्या कितनी होती है, टू स्टेज टरबाइनों में कंप्रेसर की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगल स्टेज टरबाइन की गति होती है, सिंगल स्टेज टरबाइन की गति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल स्टेज टरबाइन में गियर अनुपात होता है, सिंगल स्टेज टरबाइन में गियर अनुपात कितना होता है, 651 का ए नंबर इसका आंसर। ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 652, अब सिंगल स्टेज टरबाइन में टॉर्क गति के अनु डैश डैश होता है, क्या होता है, 652 को इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, समानुपाती होता है, सिंगल स्टेज टरबाइन में टॉर्क गति के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है 653, टू स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों का अनुपात होता है, कितना होता है, 653 का ए नंबर होता है, कम होता है, टू स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों का अनुपात कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट का भाग है, शिफ्ट का कौन सा भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 54 का, बोल्ट, पिन, गास्केट, ये सभी शिफ्ट के क्या होते हैं, भाग होते हैं, इसका राइट आंसर 54 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 655, इलेक्ट्रिक स्टार्टर गियर का भाग है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर गियर का भाग कौन सा है, ये पूछा गया है, 655 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी जो हैं इलेक्ट्रिक स्टार्टर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लच का भाग है, क्लच का कौन कौन सा भाग है, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा, प्लेट भी होती है क्लच में, बीयरिंग भी होती है, स्प्रेशर शाफ्ट भी होती है, सभी होती हैं क्लच पे। ठीक है, तो आंसर नंबर 656 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, गैस टरबाइन का भाग है, गैस टरबाइन का कौन सा भाग है, ये पूछा गया है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, कंप्रेशर, बर्नर, नोजल, सभी प्रकार, ये सभी होते हैं गैस टरबाइन में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंप्रेशर का कार्य होता है, कंप्रेशर का कार्य क्या होता है, अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्रेसर का दाब बढ़ाना, प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, कंप्रेशर का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 600, कंप्रेशर का प्रकार बताइए, कंप्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, अक्षीय और अपकेंद्री, दो प्रकार के कंप्रेशर होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 659 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर तथा टरबाइन के मध्य लगा होता है, कंप्रेसर तथा टरबाइन के मध्य लगा होता है, क्या लगा होता है, 660 का ए नंबर हो जाएगा, बर्नर लगा होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बर्नर का प्रकार पूछा गया है, तो 661 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, एनुलर, केन एनुलर, ये बर्नर के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के माध्यम से इंजन को शक्ति मिलती है, किसके माध्यम से इंजन को शक्ति मिलती है, 662 को डी नंबर, टरबाइन के माध्यम से इंजन को शक्ति मिलती है, बर्नर नहीं, इनलेट नहीं, नोजल नहीं, टरबाइन के माध्यम से इंजन को पावर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस
टरबाइन के अंतिम सिरे पर लगा होता है। गैस टरबाइन के अंतिम सिरे पर क्या लगा होता है? 663 का बी नंबर नोजल लगा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीट कवर को डैश डैश के माध्यम से कसा जाता है। हीट कवर को किसके माध्यम से कसा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 664 का ए नंबर होगा। ठीक है, नट व बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर की आकृति होती है, कंप्रेसर की आकृति कैसी होती है ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोलाकार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन किस चक्र पर कार्य करता है? गैस टरबाइन किस चक्र पर कार्य करता है? तो ये ब्रेटन साइकिल पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, गैस टरबाइन में हवा ईंधन का अनुपात होता है, गैस टरबाइन में हवा ईंधन का अनुपात कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या है? 50:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टरबाइन का आकार होता है, टरबाइन का आकार कैसा होता है? 669 का क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। ठीक है, पंखे नुमा। अगला क्वेश्चन है, गैस टरबाइन इंजन की दक्षता होती है, गैस टरबाइन इंजन की इफ़िशियंसी कितनी होती है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15-25% होती है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है अपना, टू स्ट्रोक टरबाइन में टॉर्क गति के डैश डैश होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, वृत्त कमानुपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोजल का आकार होता है, नोजल का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है पंखेनुमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टरबाइन को डैश डैश हुआ डैश डैश के मध लगाया जाता है, टरबाइन को किसके मध लगाया जाता है? 72 डी नंबर। ठीक है, नोजल व बर्नर के मध लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णित बॉडी में बाहर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? 673 का ए नंबर हो जाएगा, अब केंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, घूर्णित बॉडी के केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? 674 का बी नंबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, दाब क्वथनांक के डैश डैश होता है, दाब क्वथनांक के क्या होता है? 675 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर तरल गैस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है क्या कहलाता है? 676 का बी नंबर हो जाएगा, क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न संरचना, ये तो अपना साइंस का है, इससे कोई लेना देना अपने को नहीं है, ये सब साइंस के हैं। एक मिनट, यहाँ से अपना चालू होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अधिक उपकेंद्रीय बल से टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक उपकेंद्रीय बल से टायर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है, घुमाव क्षमता अधिक है, चिकनी सतह। दूसरा, घुमाव क्षमता कम, कंपन उत्पादन। तीसरा है, कोई प्रभाव नहीं। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, घुमाव क्षमता कम, कंपन उत्पादन, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है? सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है? तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या है? रेडिएटर में पानी कम होने जाने का कारण क्या कारण होता है? पहला है, हेड गैस के टूटी होना। दूसरा, कोर से लीकेज। तीसरा है, होज पाइप का लीक होना। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ये सभी कारण होते हैं रेडिएटर में पानी कम होने का। तो 691 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर एंटी फ्रिज सोल्यूशन में क्या होता है? एंटी फ्रिज सोल्यूशन में पूछा क्या होता है? तो ग्लिसरीन और अल्कोहल दोनों होते हैं। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर ब्लॉक व सिलेंडर हेड होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 693 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वाटर जैकेट। अगला क्वेश्चन है अपना, रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं? एक मिनट, क्योंकि ये यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? 694 का सी नंबर होगा, क्योंकि ऊष्मा स्थानांतरण जल्दी होता है, इसलिए रेडिएटर में तांबे व पीतल की पतली पाइपलाइन लगाई जाती हैं। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को कैसे ठंडा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 695 का बी नंबर होगा। ठीक है, रेडिएटर के द्वारा वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी को ठंडा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटी फ्रिज सोल्यूशन का कार्य क्या होता है? एंटी फ्रिज सोल्यूशन का कार्य क्या होता है? तो 696 का उपयुक्त सभी होगा। रेडिएटर का पानी ठंडा करना होता है, रेडिएटर के पानी को जमने से रोकना होता है, रेडिएटर का पानी
देना होता है। सभी कार क्या होते हैं, एंटी फ्रीज सोल्यूशन के होते हैं, ठीक है। डी नंबर 696 का अगला क्वेश्चन है, इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या है, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। रेडिएटर में पानी का नहीं होना ये कारण हो सकता है, प्री इग्निशन यह भी हो सकता है, वाटर पंप का बंद होना ये भी हो सकता है, जब वाटर पंप बंद हो जाएगा तो इंजन गर्म होगा ही क्योंकि वाटर का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 698 का यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इंजन को कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो यदि आप कमेंट के थ्रू आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के थ्रू बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं दोस्तों मेरी ये सीरीज ख़त्म होते ही, जैसे ही ये बुक की सीरीज ख़त्म होगी, मैं रॉयल पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू कर दूंगा और मैं दो तीन बुकों को क्वेश्चनों को आपको करा दूंगा डीजल मैकेनिक के, तो ताकि आप लोगों को कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, आप लोग इतना करके जाइए, आप लोग आराम से 50 सुपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, मेरा दावा है। तो ये चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।